ఈ నెల 2-3 తేదీలలో హైదరాబాద్ లో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు జరుగునున్నాయని 3న జరిగే విజయ సంకల్ప సభకు పీఎం మోడీ హాజరుకానున్నారని ఈ సభకు పార్టీ శ్రేణులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని జార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి బాబులాల్ మారండి పిలుపునిచ్చారు మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో బీజేపీ జాతీయ మహాసభల సన్నాహక సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ తోనే కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజల అభివృద్ధి కేంద్ర ప్రభుత్వ ధ్యేయంగా పీఎం నరేంద్ర మోడీ పనిచేస్తున్నారన్నారు 8 ఏళ్ల బీజేపీ పాలనలో ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టి అభివృద్ధి ఫలాలను అట్టడుగు స్థాయి వరకు అదే విధంగా పాలన కొనసాగుతుందన్నారు एससी एसटी ओबीसी मोर्चाल सवेश अदे विधा रही सवेश प्रति वो सरकार समर्पित रही और उसके बाद हम सब ने देखा कि सरकार उसी दिशा में काम प्रारंभ किया गाँव को जो कैसे समान अवसर लोगों को मिले तो उसके लिए जो रूरल कनेक्टिविटी है सड़कें हैं जो उसका हमको आगे बढ़ाना फिर गाँव को विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन जो भी बचा कुचा तक उसको मोदी जी की सरकार ने उसको प्रायोरिटी देकर के उस काम को भी बहुत हद तक पूरा हुआ मैं लगता है कहीं ही देश के अंदर में थोड़ा बहुत ही बचा होता है फिर आज के युग में जो ये कम्युनिकेशन है नेट है तो ये भी देश के गांव गांव तक आप पहुंच रहे हैं थोड़े ही बचे हुए वो भी हमें लगता है कि 2-1 साल में वो भी पहुंच जाएंगे ताकि लोगों को एक समान अवसर मिल सके ये सुविधा उपलब्ध करा दो उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि गांव की गरीबों की किसानों की तो ये सरकार समर्पित रहेगी तो आपने देखा कि हमारा बैंकों का तो नेशनलाइजेशन बहुत पहले हुआ था लेकिन बैंकों से गरीब जुड़े नहीं थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद गरीबों का भी खाता बैंक में 40 करोड़ से अधिक लोगों के खाता है अकाउंट बैंक में और आज जो लोग बैंक से जुड़े और उसके बाद आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले दिनों जब कोरोना के काल आया उस समय बड़ी अफरा तफरी हुई थी तो उन खाता में पैसे भी डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से उन बेनिफिशियरी को ट्रांसफर की गई और उससे बड़ी राहत मिली गरीबों को और फिर गरीबों के लिए उस समय कोरोना काल में जो 80 करोड़ देश की आबादी को प्रत्येक महीना 5 किलो जो अतिरिक्त अनाज कोई भूखे नहीं सोए कोई भी व्यक्ति कोई भारतवासी इसको भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब देखा फिर आप देखें उस कोरोना काल में अपने यहाँ वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए मास्क तक नहीं बनता था पीपी किट तक नहीं बनता था हम बाहर से ये सारे चीजें आयात करते थे लेकिन उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्यमियों से बात करके या देश को प्रमोट की और एक एकजुटता दिखाई और फिर हम पीपी किट में स्वावलंबी नहीं हुए बल्कि हम दुनिया को आप एक्सपोर्ट भी करते हैं वैक्सीनेशन भी आप देखें पहले हम जितनी भी प्रकार की वैक्सीन होते थे कि भारत को बहुत बाद में मिलता था लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने साइंटिस्टों से मिलकर के उद्यमियों से मिलकर के और फिर उसका रिसर्च प्रारंभ हो एक नहीं बल्कि दो वैक्सीनेशन उस समय रिकॉर्ड टाइम में तैयार भी की गई और यहाँ भी लोगों को वैक्सीनेशन मिला और दुनिया को भी हमने अप्लाई कराया और इसका एक बड़ा परिणाम ये आया अगर भारत ये नहीं बनाता तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं तो व्यापार करते तो दुनिया में शायद ये वैक्सीन बहुत ही महंगी होती और फिर गरीबों के लिए बहुत दिक्कतें होती लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने भारत में तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लोगों को मिला और दुनिया को भी हमने दिया और उसके कारण से दुनिया में जो मेडिसिन का या वैक्सीन का
जो रेट जिसको कहते हैं ना प्राइस कंट्रोल, उसको भी रखा है। तो मैं कहूँगा कि ये बड़ी उपलब्धि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस को किया। फिर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा भेजना, फिर ये जो गरीब थे उन गरीबों के पास, खास करके हमारी जो माँ बहने होती थी, पहले उनके यहाँ शौचालय नहीं हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के शौचालय का निर्माण, फिर स्वच्छ भारत अभियान इसको कि हम कचड़े इधर उधर रखते हैं, अगर आप उसको देखें कि स्वच्छ भारत अभियान उस पर कितने देश में एक अभियान के तौर पर और उसमें से आम जनों को जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया। और उसका आप देखें कि इलाहाबाद के कुंभ में, यानी जो सफाई अभियान में लोग जुड़े हुए थे उनको सम्मानित करना, यानी उनके भी पैर धोना, यानी उसको ये कह सकते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही संभव हो सकता था। और ऐसे कहा तो मैं कह रहा था कि फिर किसानों के क्या कहते हैं गरीबों का जो डबल रेट का जो था ये जरूर